Hi dear students, this is Munawar and I welcome you to my EMS Academy YouTube channel. Dear students, today our topic is Under the Greenwood Tree, जो कि विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक poem है और ये जो है actually this is a song जो कि विलियम शेक्सपियर के एक famous musical play as you like it से लिया गया है. ये grade first year के का आपके सिलेक्शंस फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स जो कि ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से ये इंग्लिश वर्ड्स की बुक है जो ग्रेड फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट के दोनों यानी कि स्टूडेंट्स के लिए पार्ट वन और पार्ट टू की सूरत में मौजूद है, वहाँ से लिया गया है ये. तो लेट्स गो टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर. सो अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक सॉन्ग है. विलियम शेक्सपियर की ये पिक है, आप ये देख सकते हैं. He was William Shakespeare, the greatest poet of the world. और introduction to the poet. William Shakespeare एक दुनिया के एक अजीम शायर हैं. उसके introduction में तो काफ़ी समय काफ़ी यानी कि time लगेगा, लेकिन एक brief introduction according to your syllabus में यहाँ पर मैंने शामिल किया है. और ये भी directly आपकी English verse से ही जो है poetical notes से लिया गया है. तो आपके जो अब इससे अच्छी तरह से आप इसे देखेंगे समझेंगे तो MCQs भी जो आएंगी अगर कोई इसमें आई तो आपकी वहाँ पर भी हेल्प होगी. विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न स्टूडेंट्स इन 1564 एट स्टेटफर्ड अपन एवन. विलियम शेक्सपियर स्टेटफर्ड अपन एवन के मकाम पर 1564 में पैदा हुए. यहाँ पर जो स्टेटफर्ड छोटे से शहर का नाम है और एवन इज़ अ नेम ऑफ रिवर जिसकी बैंक पर किनारे पर यह शहर आबाद था. हिज फादर्स नेम वॉज जॉन शेक्सपियर हु वॉज ए फेमस फॉर्मर ट्रैक्समैन. विलियम शेक्सपियर के वाल साहब का नाम जॉन शेक्सपियर था और वो एक काश्तकार और बिजनेसमैन थे, ट्रैक्समैन थे, एक व्यापारी थे. ही गोट हिज अर्ली एजुकेशन एट स्टेटफर्ड अपन एवन. उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम भी स्टेटफर्ड अपन एवन में ही हासिल की है. विलियम शेक्सपियर की जो घर है जो आज भी वहाँ पर इंग्लैंड में मौजूद है स्टेटफर्ड में वहाँ. द पोइट ऑफ एलिजबेथन एज. स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर का ताल्लुक जो था वो एलिजबेथन एज से, यानी क्वीन एलिजबेथ जब इंग्लैंड की रूलर थी उस दौर की शायरी के दौर से था. जैसे हम कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ द पोइट आर ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ कलोड़ाज एज, यानी कि कलोड़ों के दौर का शायर. तो विलियम शेक्सपियर क्वीन एलिजबेथन एज, क्वीन एलिजबेथ एज के पोइट थे उसी दौर के. विलियम शेक्सपियर इज़ द पोइट लॉरेट ऑफ दिस एज. इसी एज के भी वो सबसे नुमायाँ शायर थे. पोइट लॉरेट मीन्स ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ दिस एज. क्वीन एलिजाबेथ रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603. ये क्वीन एलिजाबेथ की पिक है. यू कैन सी दिस एज इज़ करेक्टराइज स्टूडेंट्स बाय सटायर. अब इस दौर की जो नुमायाँ शायरी थी, वैसे तो कई हर सिनफ पे काम हुआ, लेकिन नुमायाँ जो शायरी थी वो सटायर यानी तंज़ो मिज़ाह पर जो है ज़्यादातर शायरी हुई. जिसे हमारा ये जो सॉन्ग है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसमें भी मैं पोएम पढ़ के जब पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह विलियम शेक्सपियर ने जो है इसमें सटायर यानी तंज़ो मज़ाक यूज़ किए. इन द अर्ली 1590s स्टूडेंट्स, शेक्सपियर इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट यंग प्लेराइट पोएट इन द मेंबर ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ एक्टर्स. 1590 के यानी कि दहाई के शुरुआती दौर में शेक्सपियर जो है एक आम नौजवान ड्रामा निगार, ड्रामा नवीस और शायर और एक लीडिंग जो है कंपनी एक्टर्स की, क्योंकि तब तो सिर्फ स्टेज प्लेज ही हुआ करते थे. तो शेक्सपियर ने ये तीन मकाम इतनी छोटी सी उम्र में हासिल कर लिए थे. हिज थिएट्रिकल कंपनी इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन एंड किंग जेम्स वन. अब शेक्सपियर क्योंकि एक आला कंपनी में भी थे, उसके बाद उन्हें बर्बेज तबके जो लीडिंग एक्टर्स उनके साथ मिलकर अपने थिएटर्स भी बना लिए थे, तो उनको जो है क्वीन एलिजाबेथ की पहले सरपरस्ती हासिल थी, माली सरपरस्ती और सहायता पैट्रोनाइज. और उसके बाद उसके क्वीन एलिजाबेथ के बाद जब किंग जेम्स रूलर बने 1603 में, तो उनकी भी सरपरस्ती शेक्सपियर की थिएट्रिकल कंपनी को हासिल हो चुकी थी. स्टूडेंट, Indeed, he is widely regarded as the greatest writer in the world, in world literature. दुनिया अदब में उसे एक आला मकाम एक यानी कि हासिल है. और no writer can match his excellence. कोई भी राइटर जो है
मुसन्निफ़ उसकी महारत का मुकाबला नहीं कर सकता कई इकसाम के ड्रामा, हिस्ट्री, रोमांस, कॉमेडी और ट्रेजडी में। अब कुछ जो है फेमस नॉवेल्स और ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। ओथेलो जो है एक ट्रेजिक स्टोरी है, नावल है, ट्रेजडी पर मबनी है, इट्स वेरी फेमस। उसके अलावा मैकबेथ भी एक ट्रेजिक स्टोरी है जो इंडियन मूवी ओमकारा है, ये सैफ अली खान की, अजय देवगन की, आप उससे स्टूडेंट्स जरूर देखिएगा। उसमें जो है इस जो है वो स्टोरी मैकबेथ जो शेक्सपियर का नावल इससे इंस्पायर होकर राइटर ने ली है। उसके अलावा एक रोमियो एंड जूलियट एक रोमांटिक स्टोरी है जिसमें मैंने आपसे कहा रोमांस पे भी शेक्सपियर ने काम किया काफ़ी, एज यू लाइक इट जिस प्ले की अभी मैं बात कर रहा था, ये म्यूजिकल प्ले है जिससे हमारा ये सॉन्ग लिया गया है जो कि जिसको कि हमारी फर्स्ट ईयर सेलेक्ट इंग्लिश के वर्स में जो है पहला जो पोएम है हमारा ये एक सॉन्ग है, एक सॉन्ग है। द पोएम स्टूडेंट्स अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ ए सॉन्ग टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स म्यूजिकल प्ले एज यू लाइक इट, अभी जैसे मैंने आपसे कहा एक सॉन्ग है एज यू लाइक इट से लिया गया है। दिस सॉन्ग इज संग बाय लॉर्ड अमीन्स, ये जो गीत है वो लॉर्ड अमीन्स गा रहा होता है। और अब लॉर्ड अमीन्स कौन है, वन ऑफ द एग्जाइल्ड पर्सन से जनावत रतन जो लोग हुए थे, कुछ नोबल मैन थे हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन विद ड्यूक। तो लॉर्ड अमीन्स ये सॉन्ग गा रहा है। द पोएम अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ फुल ऑफ सटायर, तंज़ो मज़ाक से ये भरा हुआ है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट प्रेजिस द फॉरेस्ट लाइफ एंड कंडम्स द सिटी लाइफ, क्योंकि इस पोएम के थ्रू, इस सॉन्ग के थ्रू शायर जो है हम सिटी लाइफ जिसको हम आपको सो सिविल मीन्स सो कॉल्ड सिविलाइज कहते हैं, महजब कहते हैं, तो पोएट कहता है इसमें कि फॉरेस्ट लाइफ इज़ बेटर देन द सिटी लाइफ, यानी हमारे महजब ज़िंदगी के से एक जंगल की ज़िंदगी बेहतर है। पोएम पे जाने से पहले स्टूडेंट्स इस जो है वोकैबुलरी के एक पेज का आप स्क्रीनशॉट एक स्लाइड का ले लीजिएगा ताकि आपको जब वर्ड्स अच्छे तरीके से हो आप उनकी मीनिंग जो है समझ लेंगे तो आपको पोएम को समझने में आसानी होगी। ये चंद अल्फाज हैं और ये एक दूसरी स्लाइड है, ये भी जो है इस पोएम से ली गई है काफ़ी, क्योंकि कोलोक्यूल इंग्लिश है, 400 साल पुरानी इंग्लिश है, तो इसको आप अच्छे तरीके से, मैंने इसका सिनोनिम भी दिया हुआ है इंग्लिश में, जैसे यहाँ पर इमेज में एक वर्ड है एम्बिशन मीन्स एम मिशन मकसद, उसकी मीनिंग है मकसद, तो आप इसकी इनकी जो स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले लें। आइए पोएम की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा पोएम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक सॉन्ग है, तो इसकी वैसे स्टोरी जो है वो इस तरह है कि ड्यूक जो है वो उसको अपना भाई फर्नांडिन जो है पावर की खातिर हुकूमत यानी कि उसका इकतदार उनसे छीन लिया, और ड्यूक जो है आर्डन के जंगल में आकर रहता है अपने नोबल मैन के साथ, और ड्यूक की बेटी रोजेलिन अभी फर्नांडिन के पास कैद है। अब जब क्योंकि ड्यूक अपनी बेटी को छुड़ाना चाहता है, अपने जालिम भाई के कैद से आज़ाद करवाना चाहता है, तो क्योंकि वो तादाद में अभी थोड़े थे, उनकी इतनी तैयारी भी नहीं थी कि ड्यूक का उसका जो है फर्नांडिन का मुकाबला कर सके, तो लॉर्ड अमीन्स जो है इस सॉन्ग के थ्रू बताता है ड्यूक कि किस तरह वो जो सिटी वाली ज़िंदगी है वहाँ पर कितना जुल्म है और इससे बेहतर तो जंगल वाली ज़िंदगी है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको टाइम मिले तो ये एज़ यू लाइक इट है तकरीबन 200 पेज का ये एक प्ले है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ये एक सॉन्ग ले लिया है। तो आइए इस सॉन्ग की तरफ चलते हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, यहाँ पर लाए का मतलब है लिव और ग्रीनवुड का मतलब है हरा भरा जंगल, हरे भरे जंगल के दरख्त के नीचे कौन मेरे साथ रहना चाहेगा, लव्स मीन्स वांट्स एंड टर्न हिज मेरी नोट, मेरी नोट मीन्स खुशी भरा गीत, टर्न मीन्स सिंग, और अपनी खुशी भरा गीत गाना चाहेगा, किस तरह ऑन टू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, जिस तरह जो है परंदे चहचहाते हैं और मीठी आवाज़ में गाते हैं उनकी तरह गाना चाहेगा। उनको क्या कहता है शेक्सपियर के कम हाइधर कम हाइधर कम हाइधर, वो यहाँ पर आए, यहाँ आए, यहाँ आए, हाइधर मीन्स हेयर, हेयर शैल ही सी नो एनिमी, अब आगे कहता है कि यहाँ उसको कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, बट विंटर एंड रफ वेदर, बट की यहाँ पर मीनिंग है एक्सेप्ट, सिवाय
विंटर जो है हमारे यहाँ तो काफ़ी खुशगवार होता है हम, क्योंकि हमारे जो इलाके हैं बहुत गर्म हैं, लेकिन इंग्लैंड में विंटर जो है इट्स वेरी हार्श, बहुत सख्त होता है। अब यहाँ पर विंटर से मुराद सख्त सर्दी ली गई है। वो कहता है कि ह्यूमन एनिमी नहीं मिलेगा उसको यहाँ पर, मगर सिवाय सख्त सर्दी के और ख़राब मौसम के, यानी सख्त सर्दी के और ख़राब मौसम के। दूसरे पार्ट पे आते हैं पोएम के स्टंजा के। हु डोथ एम्बिशन शन, यहाँ पर पोएट कहता है कि हु डोथ एम्बिशन शन, डोथ मीन्स हैज, एम्बिशन मीन्स पर्पज़ ऑफ लाइफ। देखिए जैसे हमारी ज़िंदगी में पर्पज़ होता है, हम मेहनत करते हैं, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे CSS पास करना है, कोई कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, इस तरह हमारे अपने अपने मकसद होते हैं, कोई पॉलिटिशियन बनता है। लेकिन शेक्सपियर इस पोएम के थ्रू, लॉर्ड अमीन्स के थ्रू ये कहता है कि यहाँ पर वो आए हु डोथ एम्बिशन शन, जिस हु हैज़ अवॉइडेड हिज एम्बिशन, जिसने अपना मकसद तर्क कर लिया है। अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बनने समझ यानी कि का कोई जो है वो मकसद नहीं है, तो ऐसे लोग आए। और दूसरा काइंड बताया एंड लव्स टू लिव इन द सन, यहाँ पर आई द सन का मतलब इन द सन, और आसमान तले रहना चाहे, वो वहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं है भाई, तो ऐसे लोग आए। सीकिंग द फूड्स ही ईट्स, उसे जो भी यानी मिल जाए हासिल कर ले, खाने के लिए जो मिल जाए वो खा ले, फरमाइशें नहीं करे कि मुझे ये खाना खाना है वो खाना खाना है, ऐसी बात नहीं है, जो खाना मिल जाए वो खा ले। ज़िंदगी का कोई यानी कि कुछ बनने का मकसद नहीं हो और आसमान के तले ज़िंदगी गुजार सके, ऐसे लोगों को बुला रहा है। एंड प्लीज विद व्हाट ही गेट्स, और जो कुछ भी उसे मिल जाए ना उसमें खुश रहे। कम हाइदर, कम हाइदर, कम हाइदर, वो यहाँ पे आए, यहाँ आए, यहाँ पे आए। शेक्सपियर इज इनवाइटिंग द पीपल ऑफ द सिटी टू द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। हेयर शैल ही सी, वो फिर कहता है कि यहाँ पर उससे जो है क्या मिलेगा, नो एनिमी, कोई दुश्मन नहीं होगा यहाँ पर, यानी ह्यूमन एनिमी की बात कर रहा है, जो कि कंस्पिरेसीज और प्लॉट्स हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं। वो शेक्सपियर कहता है द लाइफ इज बिकम मिजरेबल, वहाँ पर जो है ज़िंदगी मिजरेबल बन गई है, रहने के काबिल नहीं है, आपको जो है ह्यूमन एनिमी यहाँ पर नहीं मिलेगा, इंसान दुश्मन नहीं मिलेगा, बट विंटर एंड रफ विदर, सिवाय सख्त सर्दी और ख़राब मौसम के। द पोयम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, इसका मरकजी ख्याल इस पोएम का, द फॉरेस्ट लाइफ इज़ फॉर बेटर देन दैट ऑफ कोर्ट और सिटी लाइफ, या कोर्ट मीन सिटी, अकॉर्डिंग टू द पोएट में जो है जंगल की ज़िंदगी हमारे शहर की ज़िंदगी से कहीं बेहतर है, बिकॉज देयर इज़ नो ह्यूमन एनिमी इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल में कोई भी इंसान दुश्मन नहीं है, एक्सेप्ट विंटर एंड रफ वेदर, सिवाय जो है सख्त सर्दी और ख़राब मौसम के। द फॉरेस्ट लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन कॉन्स्परेसीज केयर्स एंड वरीज, क्योंकि जंगल की ज़िंदगी है इंसान की हर किस्म की जो है साजिशों से और ज़रूरतों से और जो है उनकी परेशानियों से फ्री है, आज़ाद है, एंड इट इज़ फुल विद ऑल जॉय एंड प्लेयर, और ये जो है हर किस्म की खुशी से भरपूर है। थीम आर सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, द फॉरेस्ट लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम द पोएम डील्स विद, ओके, द फॉरेस्ट लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ जेलेसी एंड हॉर्डशिप्स, कि जंगल की जो ज़िंदगी है वो हर किस्म की जो है कि हसद और मुश्किलातों से पाक है, जो हमारी अपनी माशरती ज़िंदगी है। वन कैन स्पेंड हेयर अ केयर फ्री लाइफ, यहाँ पर जो है इंसान बिना किसी जो है परेशानी की ज़िंदगी गुजार सकता है, ये इसकी थीम है, सब्जेक्ट है इस पोएम का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपकी पोएम थी, मुझे यकीन है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको अच्छी तरीके से जो इसकी वोकेबलरी और इसमें जो मैंने आपको थीम या सेंट्रल आइडिया दिया इसको देखिए, ताकि यू मे नो के बाद द पोएम इज़ अबाउट। थैंक यू वेरी मच।